बलदियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुतालिक एमकेएम की दरखास्त पर फैसला महफूज। बलदियाती इंतखाबात किसी सूरत ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इंतखाबात पुरानी वोटर लिस्टों पर हो रहे हैं, वोटर लिस्ट एक है दो नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुतहदा के वकील को झाड़ पिला दी, कहा पहले तैयारी करें फिर आपको सुनेंगे। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से आइंदा हफ्ते तक का वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने अदम तैयारी पर सिंध हुकूमत के दलाइल का हक खत्म कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, ये आईनी तकाजा है। परवेज़ इलाही को आइन और कानून के मुताबिक एतमाद का वोट लेने का कहा। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की अराकीन असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा डिफॉल्ट का झूठा प्रोपोगंडा करने वालों को नदामत का सामना करना पड़ेगा। दोस्त ममालिक भरपूर मदद का इंदिया दे चुके हैं। इल्ज़ामात लगाने से इमरान खान को केसेस में रिलीफ नहीं मिलेगा, वफाकी वजीर शहरी रहमान का ट्वीट। कहती हैं इनको सवालात इदारों या मुखालिफिन से नहीं अपने वजीर आला से करने चाहिए। पंजाब में एतमाद के वोट से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात का नया सिलसिला शुरू किया गया। इल्ज़ाम तराशी और गालम गलोच से रियायतें लेने का दौर अब गुजर चुका। सिंध काबीना ने पास्को से 3 लाख टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। फरवरी से गंदम की खरीदारी की तैयारी शुरू करें, वजीर अला सिंध की महकमा खुराक को हिदायत। सिंध काबीना ने बलदियाती काउंसलर्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी दे दी। खवातीन, नौजवान, गैर मुस्लिम, ट्रांसजेंडर समेत 6 कैटेगरीज शामिल। ज़मीन पर उगने वाली गंदम की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। लाहौर समेत पंजाब में 15 किलो वाला निजी आटे का थैला 2100 रुपये का हो गया। निजी गंदम की कीमत 5,250 रुपये फी मन तक पहुंच गई। लाहौर में गंदम 5100 और रावलपिंडी में 5,250 रुपये फी मन में बिकने लगी। कराची टेस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकलने लगा। बाबर 11 के इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड से भी हारने का खदशा। 319 रन का हदफ शाहीनों पर भारी पड़ गया। कप्तान बाबर आजम, शान मसूद, इमामुल हक टीम को सहारा देने में नाकाम। अब्दुल्ला शफीक और मीर हमजा गुज़िश्ता रोज बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच ड्रॉ हो गया था। जय शाह इतना कुछ कर रहे हैं, पीएसएल का शेड्यूल भी जारी कर दें। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना शेड्यूल के यकतरफा ऐलान पर नजम सेठी का तंज। ट्वीट किया, सालाना शेड्यूल के यकतरफा ऐलान पर जय शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। वाज़ेह रहे एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारतीय बोर्ड अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर चुका। शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर। इस्लामाबाद कचहरी में बगावत पर उकसाने के केस की समाअत। शहबाज गिल को एम्बुलेंस पर इस्लामाबाद कचहरी लाया गया। केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी।